दोस्तों नमस्कार, मैं ललित धमानिया स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसे कि आपके मन में ये बात आ रही है कि अभी कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे कैसे फॉर्म है, तो पूरा स्टेप मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि स्टेप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। बस आप समझ रहे होंगे कि आपको जब भी आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको OTP शायद मोबाइल पर नहीं आ रहा होगा, या क्या क्या करना होगा, प्रोसेस यहाँ पर पूरा है। तो जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला प्रोसेस जो होगा आपका इस तरह से होगा कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वेरीफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल होंगी, उसके बाद आप फिल एजुकेशन एग्जाम डिटेल भरेंगे, फिर अपडेट पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग या फी पे करेंगे, फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग एड्रेस, फिर फोटोग्राफ्स और फिर प्रिंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टास्क आप लोगों के सामने आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होगा, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और जैसे ही आप इनको फॉलो करके यहाँ क्लिक करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की डिटेल पूछी जाएगी। तो जब ये पूरी डिटेल आप फिल कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपका ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात दोस्तों वो यही है कि मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों में क्या अंतर है कि मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेल किया जाएगा, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको मैसेज से जाएगा और उस ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी आएगा। इसलिए दोनों का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। कभी आप मोबाइल पर ढूंढ रहे हो ओटीपी और वहाँ पर ढूंढ रहे हो ईमेल आईडी पर कुछ नहीं, तो ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर शायद लगा दी गई है इस बार, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। इसके बाद जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, अपनी आईडी अपडेट करते हैं, तो आप पहुँच जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले जब आपने प्रोसीड करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके सामने बहुत सारी लिखी हुई हैं कि कौन सी आप चूज करेंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है क्या भरें कैसे भरें, वो मैं आपको पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ कैसे कैसे पूरा फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे आप और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या रहा है कि आपने अगर DLED किया है, जिसको BTC आप पहले बोलते थे इसको चूज करेंगे, आपने शिक्षा मित्र हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे, आपने ग्रेजुएशन किया है और BEd के साथ BEd किया है तो आप यहाँ पर करेंगे, स्पेशल BTC किया है, DLED स्पेशल एजुकेशन से किया है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर DLED 4 ईयर का है, 4 ईयर का है, तो जो भी अब 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, कोई भी हो वो यहाँ पर इसको चूज करेगा, ठीक है। सपोज हम बात करते हैं BEd ग्रेजुएट की, उसके बाद अब यहाँ पर पूछता है मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है कि आप अपीयर्ड हैं, यानी फाइनल ईयर वाले होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म तो भर नहीं पाएंगे, तो आपको फाइनल वाले ही यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। तो फाइनल ईयर में है तो यहाँ करेंगे और पास्ट है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने BEd के यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप पास्ट, और यहाँ पर आप जो भी पेपर के लिए देना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2 जिसके लिए भरना चाहते हो, तो प्राइमरी भरना है तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी भरना है तो अपर प्राइमरी, और प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों भरने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइमरी भरता हूँ, दोनों के भरने के लिए आप दोनों ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूछेगा एप्लीकेबल, यस उस पर चेक करना यस, क्योंकि 10th एप्लीकेबल है, 10th की डिटेल ये सारे भर देंगे, 12th एप्लीकेबल है उसकी डिटेल भरेंगे, ग्रेजुएशन एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, जिनका 12th के बाद DLED होगा वो इंटर तक की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, यानी जहाँ तक आपने किया वहाँ तक के आप इक्विवेलेंट भरेंगे भरेंगे सारी डिटेल्स को, और वो सारी डिटेल आपको भरनी होंगी, ठीक है। जब ये सारी डिटेल फिल हो जाएंगी तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आएगा एग्जाम सिटी। अब आपको एग्जाम सिटी चूज करनी है, जिस एग्जाम सिटी को आप चूज करना चाहें, तो सेंटर सारे लिखे हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं, हमने लिखा यहाँ पर कोई भी सिटी, हम हापुड़ से हैं तो हम सोचते हैं हापुड़ को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हापुड़ सिटी सेलेक्ट हुआ। एग्जाम सब्जेक्ट ग्रुप, अब ये ग्रुप कौन सा, आर्ट्स या साइंस, आप साइंस से पढ़े हैं कि आर्ट्स से पढ़े हैं, तो साइंस या आर्ट्स से अगर आपको पढ़ना है, आप आर्ट्स ग्रुप में तो आर्ट्स भरेंगे, साइंस है तो साइंस भर करेंगे। पहली लैंग्वेज फिक्स्ड है वो हिंदी ही होगी। अब सेकेंड लैंग्वेज में आपको क्या लेना है, इंग्लिश लेना है, उर्दू लेना है कि संस्कृत लेना है, 3 लैंग्वेज यूपी टेट में होती है, यूसी टेट में बहुत सारी होती हैं। चलिए संस्कृत सपोज आपने चूज़ किया या इंग्लिश चूज़ किया, यहाँ पर आपने कैप्चा फिल कर दिया है और कैप्चा फिल करके आप उसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो हम पहुँचेंगे नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं कौन सा पेज खुलता है सबमिट करने पर, सारी इन्फॉर्मेशन। अब करना क्या है, जैसे ही आपने सबमिट किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड है, जो पासवर्ड आपको मिला है वो उसको आप कन्वर्ट करेंगे अपने ओल्ड पासवर्ड से, यानी आपको नया पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर देना है, और पासवर्ड
का मैं शुड बी 13 करेक्टर, यानी अगर मैं अपने प्रीवियस पासवर्ड की बात करता हूँ तो उस पासवर्ड को, यानी जो आपको मेल पर मिला था, उस पासवर्ड को आप यहाँ पर एंटर करेंगे जिससे कि आपको नया पासवर्ड प्राप्त हो जाए। और जैसे ही नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो चलिए उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पासवर्ड को, तो उस पासवर्ड से आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। मैं उस पासवर्ड को एंटर कर रहा हूँ। अब आपको नया पासवर्ड यहां पर जनरेट कर लेना है, ठीक है ना, तो उसको कर लेते हैं जनरेट। चलिए तो जो भी आपका आप जनरेट करना चाहें, चॉइस आपकी है। तो जो भी पासवर्ड आपने जनरेट किया उसको सबमिट करेंगे, तो अगर वो गलत होगा, देखिए न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड नॉट मस्ट मैच, तो वो सेम नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करके दोबारा से डालिएगा आप। हम चलिए दोबारा डालते हैं। फिर से री एंटर करते हैं। इसको हमने यहाँ एंटर कर दिया है। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है ये। अगर यहाँ पर पासवर्ड सही हुआ तो ये बताएगा मुझे, और नहीं हुआ तो ये हमसे कहेगा। देखो यहाँ इसमें इंस्ट्रक्शन आ गए हैं पासवर्ड कैसे बनाना है, तो ये पासवर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको बनाने होंगे। नहीं, आपको पासवर्ड में आपका बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर 13 करेक्टर कम से कम होने चाहिए, 8 से 13। पासवर्ड में एक बड़ा अक्षर अल्फाबेट, एक छोटा अक्षर अल्फाबेट, एक न्यूमेरिकल वर्ड और ये स्पेशल सिंबल होने चाहिए, ठीक है। तो पासवर्ड को आपको इस तरह से बनाना है। चलिए बनाते हैं पासवर्ड को फिर से। जैसे इसको आप जनरली क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है, फिर भी अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं पासवर्ड को, बहुत इजी पासवर्ड, चॉइस आपकी है, जो चाहे बना लें। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब उस मेरा नाम ललित है तो एल बड़ा ALIT, और यहाँ पर आप @#, कोई भी वर्ड यूज करिएगा, उसके बाद 1 2 3 जो भी आप लिखें अंक, यानी इस तरह से आपको पासवर्ड डिजाइन करना होगा, ठीक है। कर लेंगे तो वही यहाँ पर हम भरकर देखते हैं, क्या पासवर्ड है। तो पहले जो हमारा मेल पर आया है पिन, उसको हम देखेंगे यहाँ पर, फिर हम उसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम नया पासवर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। और इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो ये पासवर्ड हमारा सेट हो गया है। देखिए अब चाहे तो उसको अपडेट कर सकते हैं पासवर्ड, या अपन यहाँ पर नो थैंक्स कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हमारा पासवर्ड यहाँ पर बन चुका है। अब इस पासवर्ड के अकॉर्डिंग हमारे सारी डिटेल फिल हो चुकी हैं, तो अब हम देख पाएंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए हमारा पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन हुआ, स्टेप 2 पे फी। अब स्टेप 1 कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वाला फॉर्म में क्या कर सकते हैं, तो पे फी करते हैं। चलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन फी को पे करना होता है, तो चलिए फी पे करते हैं। सपोज ये नाम है तो सेलेक्ट कर दिए, एक्शन करें यहाँ पर सेलेक्ट, तो ₹400 की रजिस्ट्रेशन फीस एक की होगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर SBI MOPS आप यूज़ करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन दिए, और प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। और जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे, आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं, तो यह मर्जी आपकी है। आप UPI से करना चाहते हैं तो ये मर्जी आपकी, जिससे आप चाहें उससे कर सकते हैं। UPI से चलिए करके देखते हैं। UPI में क्या क्या आता है, जैसे भी आपके जितने भी UPI हैं, गूगल पे है, ये सब इसमें UPI आते हैं। 100 रुपीज़, तो यहाँ पर फी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको भी मैं फी कर देता हूँ। तो PA नंबर पूछा है, VPA, तो हमारे पास इससे हम नहीं कर रहे हैं, इसको रीसेट करते हैं, और इससे पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, हम सीधा अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट का तो दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, पेमेंट कैसे करूंगा, तो पेमेंट का तो मैं आपको दिखाऊंगा पेमेंट करने के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन को कि पेमेंट के बाद क्या दिखता है। तो आपने ये भर लिया, फी पे होकर दिखा दिया है हमने आपको। अब हम बात करेंगे फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अपना फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर अपना फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। और जैसे ही फोटो पे आप क्लिक करेंगे, आपका पूरा फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, आप अपने अपलोड फोटो कर सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर वेबसाइट जो है वो बहुत दिक्कत कर रही है, कम से कम 10-20 बार में दोस्तों ये वीडियो शूट हो रहा है, जिससे कि प्रॉब्लम कोई ना हो। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर आपको समझ में आ चुका होगा पूरा का पूरा। अगर फिल पार्ट 2 करेंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मुलाकात करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, थैंक यू।